तो लीजिए हमारा होममेड बनाना शेक बनके तैयार हो गया और मैं कैसे बनाई हूँ चलिए आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी का सुमन का किचन ब्लॉग में और मैं आई हूँ एक नई रेसिपी लेके जो कि है होममेड बनाना शेक। तो चलिए बनाना शेक बनाने का स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बनाने का छिलका हटा लेती हूँ और इसको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लेती हूँ क्योंकि मसलने पे आसान रहेगा। और फिर इसको मैं गिलास की सहायता से मसल लूँगी क्योंकि मेरे पास ना तो ग्राइंडर है और ना ही मिक्सर है, तो मैं इसको गिलास की सहायता से मसल लेती हूँ और खूब अच्छे से मसल लूँगी। फिर इसमें मैं डालूँगी चीनी, तो अब मैं इसमें 3 छोटे चम्मच चीनी डाल देती हूँ जिससे कि स्वाद बढ़ जाएगा, मीठा हो जाएगा। और अब केले के साथ चीनी को भी मिलाती रहूँगी क्योंकि चीनी भी खड़ा है तो घुलने में टाइम लगेगा, तो इसको मैं मिला देती हूँ। और केला और चीनी दोनों लगभग घुल चुका है और इसको इसी तरह गिलास की सहायता से मसलती रहूँगी। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ दूध 1 कटोरी और दूध को भी गिलास की मदद से ही केले में मिला देती हूँ, केले के पेस्ट में। और देखिए यहाँ पे मिल गया है, तो अब मैं इसको चम्मच से मिला लेती हूँ। और जो लोग नए हैं हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का एक एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। और बनाना शेक हमारा रेडी हो गया है, तो अब मैं इसको गिलास में रख लेती हूँ, शीशे के गिलास में इसको मैं रख रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं रख लेती हूँ और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ड्राई फ्रूट क्योंकि मेरे पास टूटी फ्रूटी नहीं था। तो देखिए यहाँ पे कटा हुआ छुहारा मैं डाल रही हूँ और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हुआ है। तो टूटी फ्रूटी नहीं था तो मैं यही डाल दी छुहारा और फाइनली जो है कि हमारा बनाना शेक बन के तैयार हो गया है। आई होप कि आप सभी को मेरा बनाना शेक पसंद आया होगा और पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ एक नई रेसिपी और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के आप लोग अपना ख्याल रखना, मेरा भी ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।